एक भूमि नाम की लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। आज तक जितने भी फैशन शोज में भूमि ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी में वो विजयी रही थी। पूरे शहर में भूमि की चर्चा थी। खासकर भूमि के बालों को सभी बहुत पसंद करते थे। उसके बाल घने घने और खूबसूरत थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार की बात है, भूमि के शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो रखा गया। सभी ने भूमि को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा। भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए तो भूमि उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई। भूमि जब उस फैशन शो में आई, तब उसे पता चला कि बड़े बड़े शहर से कई मशहूर मॉडल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। उस फैशन शो में कई पड़ाव होने वाले थे। जो मॉडल सारे पड़ाव को जीत जाती है, वो ही उस फैशन शो की विजेता रहेगी। एक एक करके सभी पड़ाव में भूमि जीतती चली गई। बड़े बड़े शहरों से जो मॉडल आई थी, सभी भूमि से जलने लगी थी। एक मॉडल जिसका नाम प्रीति था, वो हर बार दूसरी पोजीशन पर आ रही थी। पहले पोजीशन पर भूमि आ जाया करती थी। एक दिन प्रीति सोची, ये भूमि तो हर बार जीत ही रही है। अगर ये ना होती तो मैं ही सारे राउंड को जीत जाती और अंत में इस फैशन शो को भी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूमि आखिर पड़ाव में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। आखिरी पड़ाव का दिन आया। प्रीति ने सोच लिया था कि कैसे वो भूमि को आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी। जब भूमि अपने रूम में आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही थी, तब प्रीति उसके रूम में आई। हाय भूमि, कैसी हो? तैयार होना लास्ट राउंड के लिए। प्रीति आओ आओ। हाँ मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बस बाल बनाना बचा है, एक बार हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए तो वो काम भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, तैयार होना है। प्रीति भूमि के रूम से निकल आई। भूमि जब अपने रूम में तैयार होने जा रही थी, तभी सामने से फैशन शो के ऑर्गेनाइजर आया और बोला, अरे प्रीति, आज तुम सभी खुद ही बाल बना लो, हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं, तब तक मैं भूमि को बता कर आता हूँ। कोई बात नहीं, हम खुद ही बाल बना लेंगे। वैसे मैं अभी भूमि के पास ही जाने वाली हूँ, मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति जो मौका खोज रही थी, वो उसे मिल चुका था। प्रीति भूमि के रूम में आई और भूमि से बोली, अरे भूमि, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने किसी लड़की को बाल बनाने के लिए बुलाया है, थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छा ठीक है। प्रीति अपने रूम में आई, तुरंत थोड़े पुराने कपड़े पहनी, मास्क लगाई और भूमि के रूम में आ गई। अच्छा तुम ही हो नई हेयर स्टाइलिस्ट, आओ आओ जल्दी से बाल बना दो, अब कुछ ही समय रह गया है। प्रीति दबी हुई आवाज में भूमि से बोली, आप आराम से चेयर पे बैठ जाए, मैं तुरंत आपके बाल बना देती हूँ। भूमि जब चेयर पर बैठ गई, तब प्रीति बोली, मैं आपकी आंखों पर ये कपड़ा बांध देती हूँ जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैम, जब तक मैं बाल बना नहीं लेती, तब तक आप ऐसे ही आंख बंद करके रखिए। वैसे भी आपके बाल अजीब से हो गए हैं, मैं इन्हें काट कर सेट कर देती हूँ, फिर बाल बना दूंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। प्रीति भूमि के बाल काटने लगी और धीरे धीरे उसके पूरे बाल काट दी और उसे गंजा कर दी, फिर वहां से भाग गई। भूमि जब आंख पर से कपड़ा हटाई, तब उसने देखा कि उसके सर के सारे बाल गायब हैं। वो गंजी हो चुकी है। भूमि जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मैं लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? तीन लड़कियों के बाद भूमि का नंबर था। प्रीति अपने रूम में आई और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रीति अपना नंबर आने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने रूम का गेट बंद करके
रोए जा रही थी। तभी चारों ओर हल्ला होने लगा। आग लग गई, आग लग गई, भागो! भूमि के गेट के पास शो ऑर्गेनाइजर आया और बोला, भूमि जल्दी बाहर आओ, आखिरी पड़ाव कैंसिल हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद आखिरी पड़ाव होगा, यहाँ आग लग चुकी है। भूमि अपने सर पर एक कपड़ा बांधी और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आ गई। सभी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए। प्रीति भी वहाँ से भाग गई। वो सोची, क्या होता है आज आखिरी पड़ाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद कौन सा भूमि के बाल आ जाएंगे। भूमि दुखी होकर अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। बिना बाल के तो कोई भी उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो हार जाएगी। भूमि के घर उसकी चाची आई। भूमि बहुत उदास थी। भूमि को उदास देख भूमि की चाची ने उससे पूछा, क्या हुआ भूमि, तुम उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे ही उदास बैठी हो। भूमि ने अपने सर से कपड़ा हटाया और चाची को सारी बातें बताई। चाची थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, भूमि मेरे पास एक हेयर क्रीम है। मेरे बाल जब गिरने लगे थे तभी मैं एक बाबा के पास गई थी, उन्होंने ही मुझे ये हेयर क्रीम दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि इसे लगाते ही कुछ ही दिनों में घने घने बाल आ जाएंगे। मैंने डर से आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, मुझे लगा कहीं मेरे बच्चे बाल भी ना चले जाए। लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी बाल नहीं, तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकती हो, ये लो इसे रख लो। भूमि की चाची भूमि को वो हेयर क्रीम देकर वापस अपने घर चली गई। भूमि को उस क्रीम पर विश्वास नहीं था। वो सोची, ऐसा कैसा हो सकता है, किसी क्रीम को लगाने से कुछ ही दिनों में घने बाल आ जाएंगे, चाची बिना कुछ भी बोलती है। भूमि ने उस क्रीम को एक और रख दिया। रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार फैशन शो के बारे में ही सोच रही थी। अचानक भूमि उठी और उस हेयर क्रीम को अपने हाथ में उठाई और बोली, चलो इसे लगा कर देख ही लेती हूँ, वैसे भी कौन सा इसे बाल आने वाला है। भूमि उस क्रीम को अपने बालों पर लगा ली और सोने चली गई। अगले ही दिन से भूमि के सर पर बाल आने शुरू हो गए। भूमि को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसके सर पर इतनी जल्दी बाल आने शुरू हो गए। आखिरी पड़ाव का दिन आते आते भूमि के बाल पहले जैसे ही घने और सुंदर हो चुके थे। भूमि समझ गई कि ये हेयर क्रीम जरूर कोई जादुई हेयर क्रीम है जिसे उस बाबा ने दिया था। हो ना हो वो बाबा कोई सिद्ध बाबा है। भूमि खुशी खुशी फैशन शो में आई। प्रीति ने जब भूमि के सुंदर और घने बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी भूमि के बाल कैसे आ गए। भूमि को स्टेज पर बुलाया गया। भूमि स्टेज पर गई। कुछ ही देर बाद आखिरी पड़ाव खत्म हो गया। विनर का नाम अनाउंस किया गया। इस फैशन शो को भी भूमि ने जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब प्रीति गुस्से में भूमि के पास आई और बोली, आखिर तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो उस दिन तुम्हारे बाल काट दिया था। भूमि ये सुनकर हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे बाल काटा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताने कि मेरे बाल कैसे आए। इतना कहकर भूमि खुशी खुशी अपने घर आ गई। प्रीति यह सोचती रह गई कि आखिर इतनी जल्दी भूमि के बाल आए कैसे। घमंडी चाट वाला। एक हिरपुर नाम का शहर था। उस शहर में चाट की दुकानें तो बहुत थी लेकिन सोनू की चाट की दुकान की बात ही कुछ और थी। पूरे शहर में सोनू चाट वाला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनू चाट वाले के बारे में ना सुना हो। ऐसे ही वो प्रसिद्ध चाट वाला नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत की थी तब जाकर अब वो इतनी प्रसिद्ध हुआ है। हर रोज उसकी चाट की दुकान पर भीड़ भाड़ ही रहा करती थी।
कई लोग तो सिर्फ पापड़ी के दीवाने थे। उन्हें सोनू की पापड़ी बहुत पसंद था। कोई भी नया व्यक्ति आता था तो उसे सोनू चाट वाले के यहाँ चाट खाने को कहा करते थे। सोनू अपने तरक्की से बहुत खुश रहता था। उसका पूरा घर उसके चाट के दुकान के कारण ही चलता था। सोनू के घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन सोनू के घर उसका ममेरा भाई टुन्नू आया। टुन्नू ने कहा, भाई आप तो पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कल मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा, कहीं मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊं। सोनू ने कहा, हाँ क्यों नहीं टुन्नू, चल तू भी दुकान पर चल, मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर अगले दिन टुन्नू सोनू के दुकान पर आ गया। टुन्नू सोनू की मदद कर दिया करता था। कुछ ही दिनों तक लगातार दुकान पर जाने के बाद टुन्नू ने भी बहुत कुछ सीख लिया था। वो बोला, भैया अब तो मैं भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ, आप अपने ही दुकान पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं यहीं काम कर दिया करूँगा, बदले में आप मुझे कुछ पैसे भी दे दीजिएगा, और वैसे भी आपकी तो आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे काम पर रख लेने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे टुन्नू कैसी बात करते हो, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। टुन्नू अब हर रोज सोनू के साथ दुकान पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, टुन्नू काम करता करता सोनू से बोला, भैया ग्राहक तो बहुत बढ़ जाते हैं, हमें कुछ और टेबल कुर्सी लगा लेनी चाहिए। हाँ टुन्नू तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही कुछ नया टेबल कुर्सी लगवाता हूँ। कल होते ही सोनू ने नए टेबल कुर्सी लगवा लिया। अब सोनू चाट वाले की दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। देखो टुन्नू दुकान अब कितना सुंदर लगने लगा है। सोच रहा हूँ और भी महंगे और अच्छे अच्छे चीज अपने दुकान में लगवा देता हूँ। फिर टुन्नू ने कहा, ठीक है भैया आपको जो अच्छा लगे। सोनू ने यही किया। उसने अपने दुकान में सभी महंगे चीजें लगवा ली और अपनी दुकान सुंदर बनवा ली। अपने दुकान में इतने बदलाव करने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया था। सोनू सबको डांटता रहता था। अगर किसी भी सामान को नुकसान पहुंचा जाता था तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन सोनू के दुकान पर कुछ ग्राहक आए, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने कुर्सी गिरा दी। अरे दिखता नहीं है क्या, कितनी महंगा चीज है ये, इतनी सुंदर दुकान में आने से पहले अपने बच्चों को समझा कर लाना चाहिए, कहीं भी तोड़फोड़ करते हैं। ग्राहक बहुत गुस्से में आ गए और तुरंत बच्चों के साथ वहां से बिना कुछ खाए ही निकल गए। भैया आप ग्राहकों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया, एक ही तो ग्राहक गया है, वैसे भी एक ग्राहक के चले जाने से मेरे दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही करके सोनू का घमंड और बढ़ता चला गया। अब वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करता था। टुन्नू भी सोनू की हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चला गया। और अब ग्राहक भी बहुत कम ही आ रहे थे। पूरे शहर में बातें होने लगी कि सोनू चाट वाला कितना घमंडी व्यक्ति है, उसके दुकान पर कोई नहीं जाएगा। अब शायद ही कोई सोनू की दुकान पर जाया करता था। सोनू अपने घमंड के कारण अपनी इतनी प्रसिद्ध दुकान गवा बैठा। सिर्फ उसकी घमंड के वजह से आज सोनू प्रसिद्ध चाटवाला से घमंडी चाटवाले के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है।